डिस्कस किया था तो हाँ जी। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो एक बार लास्ट क्लास का रिकैप देखते हैं। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, क्या तुम लोगों को याद है? मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया और आपको लास्ट क्लास में एनालॉजी भी बताई। एनालॉजी कहाँ से बताई थी? क्या एनालॉजी? एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर से बताई थी। क्या दो रिलेशन बताए थे? उसके बाद अगर तुम्हें याद है, तीन हमारा सबसे मेन फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या होता है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये तीन चीजें हम कर चुके हैं। क्या तुम्हें पता है कि वी ए बी होगा तो क्या डब्ल्यू बी ए होगा? अगर वी बी ए होगा तो डब्ल्यू ए बी होगा बाय क्यू। क्या वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी और वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस। अभी इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर क्या है? देखिए बेटा, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, क्या तुम लोगों ने रेट वर्ड सुना? रेट, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो रेट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी के नीचे टाइम आता है, टाइम। अभी क्या ये पोटेंशियल के नीचे एक तरीके का डिस्टेंस आ रहा है? क्या आ रहा है? तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये किसका ग्रेडियंट है? वी कौन है? पोटेंशियल, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब देखो, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय, क्या यहाँ पे फोर्स नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल एनर्जी का? तो किसी भी क्वांटिटी के नीचे डिस्टेंस आता है, दैट बिकम्स ग्रेडियंट। तो फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके। देखिए अब क्या मैं इसी चीज को ई इक्वल्स टू माइनस करली वी बाई करली आर लिख सकता हूं? करली करली का मतलब क्या होता है, डू यू नो? ये देखिए, बेसिक बेसिक बातें करते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बेटा एक होता है डी बाई डी एक्स, एक होता है डी करली बाई करली एक्स, है ना? या करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होता है ये? पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है? ये कंप्लीट डेरिवेटिव, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव है। ये कब लगाया जाता है? ये कंप्लीट है और ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब है तुम्हारा जो फंक्शन, यानी कि जिसका तुम डिफरेंशिएशन करने वाले हो, वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या यहाँ पे कोई एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो सकता है? यस। तो पार्शियल डेरिवेटिव इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल व्हेन योर फंक्शन डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ में आया? जब तुम्हारे फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएं, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव लगाना होता है, जैसे डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। देखो एक बार, मान लीजिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा वाई की वैल्यू एक फंक्शन ले लेते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई जेड है, राइट? और मुझे इस फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है।
बताओ क्या इस फंक्शन में एक्स भी आया, वाई भी आया, जेड भी आया, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, एक्स पे भी होगा, वाई पे भी होगा, जेड पे भी होगा, एंड इन दैट केस यू विल नॉट पुट दैट साइन, यू विल यूज दीज साइंस, कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक है, बेसिक, इसको साइड में लिख लीजिए, है ना। अब आइए वापस, क्या कर्ली वी बाय कर्ली आर लिखा। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट तो ये हो गया, एक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट यहां लिख रहा हूं E इक्वल्स टू माइनस डेल, क्या लिखा मैंने ये, इधर देखें, इधर चेपने की प्रक्रिया बाद में, E इक्वल्स टू माइनस डेल आर, माइनस डेल आर, ये जो डेल है डेल, इसको इसकी पूरी कहानी आपको अभी समझनी है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन करेंगे। ये देखो डेल एक वेक्टर होता है बेटे, तो यहां पे हमने क्या टॉपिक शुरू किया, डेल वेक्टर, इसका नाम क्या है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, या इसको नेबला ऑपरेटर भी बोल देते हैं, डेल ऑपरेटर एंड नेबला ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये देखो, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स, ये डेल आर नहीं है, डेल वी है, सॉरी, क्या है ये, डेल वी, सो क्या है ये, माइनस आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, डेल वी लिखा है, डेल का मतलब तो ये है भाई, इसका मतलब यहां पे ये होता है डेल ऑपरेटर, इसको ध्यान रखें। अगर मेरे को इसी से डेल वी लिखना है तो इसका मतलब इनकी हर ब्रैकेट में क्या वी आ जाएगा, ये ऑपरेटर है, किस पे ऑपरेट हो रहा है, पोटेंशियल पर, तो यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड। बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे क्या लिखूं बोलो, क्या आई कैप डेल वी बाय डेल एक्स कर्ली वी बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली वी बाय कर्ली के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। हाँ बेटे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, हाँ। सो एक्चुअल में ये होता है। अब तुमने क्या देखा, अगर तुम सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो, क्या ये डेल वी बाई डेल एक्स है, ये डेल वी बाई डेल वाई है, ये डेल वी बाई डेल जेड है, बोलो ये डेल वी किसके बराबर, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, माइनस डेल वी किसके बराबर। तो अगर मैं लिखूं बेटा ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी, तो ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी, तो सब क्या आगे माइनस आ गया, तो हमने क्या किया, ई इक्वल्स टू माइनस बाहर लिया या सबको दो, क्या आया बेटा, माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वी बाई डेल जेड। बोलो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल वी बाई डेल आर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये कौन सी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई कैप की यानी कि एक्स की, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर चल रहा है, क्या हमने इसको लिखा ये ई एक्स आई कैप, क्या ये ई वाई जे कैप, क्या ये ई जेड के कैप, तुम्हें समझ में आया? तो यहां से मेरे मेरे सामने क्या निकल के आ रहा है कि भाई यहां से देखो, क्या मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू, ई जेड की वैल्यू क्या आएगी, बोलो ई का फॉर्मूला डेल वी बाई डेल आर, अगर मेरे को ई किसकी चाहिए तो आर भी किसका होगा, तो क्या मैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिख दूं, इसको ई वाई किसकी जगह पुट किया, माइनस के साथ, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ये क्या है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब नेबला ऑपरेटर इज ए काइंड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो आप डेल लगाएं, डेल तो डेल के अंदर एक्स भी आता है, वाई भी आता है, जेड भी आता है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सो ये आ गया ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। बात समझ में आ रही है? अब इसको लगा के देखते हैं, है ना, उधर साइड वाला इरेज कर रहा हूं, हेलो। तो सबसे पहले क्या मुझे इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है, अगर मेरे को वी दिया हो ई दिया हो दोनों में अंतर है, अगर वी दिया होगा तो ई आ जाएगा, ई दिया होगा तो
वी आ जाएगा। अभी देखिए, मान लीजिए पहला सवाल शुरू करते हैं, वी की वैल्यू 4x2, वी की वैल्यू कितनी है, क्या मुझे ई निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 1,2,3। ये कह रहा है, कहता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मीनिंग निकल के आ रहा है क्या? अरे कैसे निकालोगे, ये अभी इतनी ये राम कथा सुना दी, डिफरेंशिएशन करना है ना इसका, तो ई क्या आएगा बोलो, माइनस माइनस 8x, 4 आगे आ गया, पावर आगे आई 8x, ई की पावर माइनस 8x आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई। पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कहाँ चाहिए, 1,2,3 पे एक्स की वैल्यू बोलो कितनी, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस 8 आ गई, क्या यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है या वोल्ट पर मीटर होती है? वेरी गुड, वोल्ट पर मीटर होती है। बात समझ में आ गई? तुम देखो, क्या यहाँ पे मेरा फंक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन है, पोटेंशियल। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो पार्शियल आता है, क्या मैंने पार्शियल लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो अभी मैंने क्या किया, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर कर रहा है। अगर मान लीजिए तुम्हारा ये वी एक्स वाई जेड होता, तो क्या तुम्हारा पोटेंशियल एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या कौन आएगा, डेल आएगा, डेल आएगा। डेल आने के लिए क्या सबकी आएगी, लो क्या हम ई एक्स कर ले, ई एक्स, क्या ई एक्स का मतलब तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आएगा, इसका मतलब मुझे क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करना है बेटा, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, एक्स के अलावा बाकी सब क्या कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो वाई जेड बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डीएक्स बाई डीएक्स कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, क्या ऐसे ही तुम ई वाई भी लिख सकते हो, मतलब आवाज नहीं आ रही, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, बोलो आपकी बार कौन कांस्टेंट, तो क्या माइनस एक्स जेड बाहर आ गए, क्या वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ऐसे ही ई जेड बोलो, डेल वी बाय डेल जेड करली वी बाय करली जेड इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स वाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्या मेरे पास ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया, ई जेड आ गया, ये फॉर्मेट दिख रहा है तुम्हें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, तो मेरा फाइनल आंसर बोलो, ई वेक्टर कितना आया, क्या बाहर माइनस ले ले, अंदर बोलो, वाई जेड कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव तब लगाते हैं जब तुम्हारे फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, हाँ अगर एक ही होता तो कोई दिक्कत, जल्दी छापो इसको फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं। देखिए एक बार इसमें ना एक चीज और सुनिए, ये देखिए बेटा, यहां पे लिख लो, यहां पे नोट डाल के, यहां नोट डाल के लिख लो, कहां लिखना है बोलो, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पेन छोड़ के देखिए एक बार, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, ये पोटेंशियल का क्या है, ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या आई, क्या वो वेक्टर है, यस, तो इसका मतलब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल वेक्टर इज अ ग्रेडियंट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
इधर वाला डन। ये सब सीखने के बाद क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3, वी की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब माइनस 4x। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2y, पोटेंशियल दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फिफ्थ क्वेश्चन, e की वैल्यू दी है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वी बताओ। सिक्स क्वेश्चन, इफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्स स्क्वायर फाइंड डेल्टा वी बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, v इक्वल्स टू 3x² वाई जेड 4x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy³। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1 एट 1, 1, 1 लीजिए। क्या तुम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? तुम्हारे को वी दिया है, वी दिया है, ई दिया है, वी पूछा है, ई पूछा है, ई दिया है, वी दिया है ना? तो कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हें डेल ऑपरेटर समझ में आया? डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? कब लगती है? जब तुम्हारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। सो इट कंसिस्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। देखिए, लीजिए भाई, सबसे पहला सवाल देखिए। v की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब माइनस 4x। मैथ्री इधर देख, अभी तेरा ये v किस किस पे डिपेंड कर रहा है बता? v किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x है इसके अंदर, y दिख रहा है, z दिख रहा है, इसका मतलब तीनों में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? x में भी मिलेगी, y में भी मिलेगी और z में भी मिलेगी। तो क्या हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ex निकालें? ex का मतलब x वाले का डेरिवेटिव करना है, बाकी सब कांस्टेंट बेटे। ex ex बोल,
इसमें एक्स एक्स वाले को रख ले, बाकी सब कांस्टेंट, बता क्या आएगा? नहीं समझ रही बेटा, इसमें एक्स वाला, एक्स वाले पे हाथ रख ले, रख लिया, क्या बचा? वाई वाई जेड क्यूब, वाई जेड क्यूब बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, कितना होता है? 2x, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता? -4 है ना, सो वाई जेड क्यूब 2x-4। अभी क्या ऐसे मुझे वाई वाला करना है? बोलो इसमें वाई कहाँ है? यहाँ है वाई, तो वाई का डिफरेंशिएशन बोल 1, तो बाकी क्या बचा? एक्स क्यूब जेड एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस, क्या ये क्या आएगा? क्या तुम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो ये क्या माना जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां ये ई जेड, इसमें सिर्फ जेड वाला देखो, जेड क्यूब है, जेड क्यूब का आंसर 3z², बाकी क्या बचा साथ में? x² y -0, क्या ई एक्स आ गया? पर क्या ये तो सारी चीजें माइनस में आया करती हैं? यस, तो ई एक्स भी आ गया, ई वाई भी आ गया, ई जेड भी आ गया। बोल कैसे लिखे? ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, कॉमन ले लिया, यहां बोलो कितना बचा? ब्रैकेट लगाइए बड़ी, यहां लिखो माइनस, क्या है? वाई जेड क्यूब इंटू 2x, क्या आई कैप आ गया? -4 आएगा ना साथ में, आई कैप। आगे बोलो, प्लस x² z³, क्या जे कैप? और ये किसका है? ये के कैप का है, तो -3z प्लस 3z² x² y के कैप। तुम्हारे पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही, मेरे को तो नहीं लग रहा। बेटे ई एक्स का मतलब क्या बताया है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सिर्फ एक्स वालों का करना है। इसमें एक्स वाला कौन है? x² नहीं है। इसका आंसर कितना आया? 2x, जो बाकी बचा यूं का यूं चिपका दिया। इसमें y का करना, बाकी सब ऐसे कैसे चिपका दिया? z है, z में गर्विस आ रहा है, समझ में? क्लियर? अभी देखो कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। चल बता कर, वी की वैल्यू कितनी दी है? x² y - y² - x+2y। पहले ये देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बस x पे कर रहा है बेटा, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बात तो समझ में आती है, एक से ज्यादा वेरिएबल आते ही पार्शियल डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बोलो सबसे पहले मैं किसका किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो मेरी ई एक्स आ जाएगी। बोलो, अरे एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले वाली क्वांटिटी में एक्स कौन है बेटा? x² का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, 2x। वाई ऐसे का ऐसे, ये -0 -1 +0, तो क्या ये पूरी ब्रैकेट लगाइए, माइनस का आंसर आ गया। ये कौन? ई एक्स, ई वाई बोल। चल बोल, अब ई वाई माइनस इसका आंसर। पुत्र यहां वाई है, वाई वाई का डिफरेंशिएशन बोल क्या होता है? 1। कौन बचा? हाँ तो x² बच गया इधर, यहां डिफरेंशिएशन कर -2y, यहां बोल, क्या यहां पे कोई y दिख रहा है? तो ये कांस्टेंट है, इसका आंसर कितना आ गया? 0। यहां y दिख रहा है, कितना आंसर आएगा? 2+2 आ गया। अब गया दिमाग में कुछ? हाँ, ई जेड बोल, आएगा ई जेड, ई जेड की कोई जरूरत? तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? आई कैप। इसके पीछे क्या लगा देंगे? जे कैप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर बोलो क्या आया?
अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर लिख के बताओ, माइनस माइनस 2xy माइनस 1, क्या ये आई कैप, आगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 2 जे कैप साथ में, ये बाहर माइनस चल रहा है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। और करो भाई, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये पूछता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे बतानी है, एट ओरिजिन, तो क्या करते, एक्स को भी जीरो भर देते, वाई को भी जीरो भर देते। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2xy आई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2y, बोलो ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी, तो क्या है माइनस है बाहर, अंदर देखो क्या है, माइनस का आई कैप बचा, एक्स जीरो वाई जीरो बचा क्या 2, तो प्लस 2j कैप, अगर माइनस को अंदर लाओगे तो क्या आई कैप माइनस 2j कैप, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में क्या दिया तुम्हारे को, अरे नेक्स्ट वाले में क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अभी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। अरे ये अरे क्वेश्चंस को साथ साथ भी लिख लिया करो, क्या हम आराम आराम से काम कर रहे हैं, दिमाग में जा रहा है मैत्री। डिले डिले बेटा, इससे ज्यादा आराम से हो नहीं सकता। अगला सवाल देखिए, ई की वैल्यू कितना दिया है, वाई आई कैप, वाई आई कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, मेरे को वी बतानी है, कोई ट्राई कर सकता है, हाउ विल यू डू दैट। एक्स वाई हो गया, है ना। और ई वाई वाई एक्स हो जाएगा, तो कैसे करोगे, कितना आ गया, ये लो बेटा, पहले वी ई ई एक्स देखो, ई एक्स कितना है, वाई, ई वाई कितना है, एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कितना दिया, वाई, वाई में कितना दिया, एक्स दिया। अगर मेरे को ये चीज पुट करनी हो तो क्या माइनस डेल वी बाई डेल एक्स नहीं होती, होती है ना, लो पहले इसको करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या डेल वी इक्वल्स टू माइनस वाई डेल एक्स बच गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अरे डीएक्स का इंटीग्रेशन ये बड़ा बड़ा देख देख के आ जाता है, ये क्या है वी हो गया माइनस, क्या ये वाई एक्स नहीं आ गया, ऐसे बोलो ए, ई कितना, ई वाई कितना, एक्स, ई वाई की वैल्यू कितनी है, पर ये किसके बराबर होती है, माइनस डेल बाय डेल वाई के होती है ना, तो मुझे डेल वी देखना है, तो डेल वी देखना है तो माइनस
एक्स माइनस माइनस एक्स डेल वाई, दोनों तरफ क्या करें तो इंटीग्रेशन करो, माइनस एक्स वाई, पोटेंशियल आ गई वी इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, तो टोटल पोटेंशियल बोलो भाई माइनस टू एक्स वाई, भाई एक्स में इतनी है वाई में इतनी है तो माइनस वाई एक्स टोटल कितनी बनी माइनस टू एक्स वाई, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे वी इक्वल्स टू माइनस माइनस टू एक्स वाई। पर एक बात ध्यान रखना, देखो इधर यहां पे तुम लोगों ने क्या किया इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन के साथ जब भी तुम इनडेफिनेट चीजें करते हो, जब यहां पे लिमिट नहीं होती यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो यहां पे कांस्टेंट भी आता है, क्या आता है कांस्टेंट, तो यहां कांस्टेंट आएगा सॉल्व करके, तो आप माइनस टू एक्स वाई तो आंसर है ही, क्या तुम इसके साथ में सी बी लगा सकते हो, पक्की बात हाँ, कोई भी वो निकालना पड़ता है, कंडीशंस दी होती हैं तब जाके इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है, अभी कंडीशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये पांच, सवाल नंबर छह पे आइए भाई, क्या दिया है सक्षम बता, बेटा छे ई की वैल्यू कितनी है ई नॉट बाय एक्स स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल चाहिए तो लगाओ पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्या माइनस ई डी एक्स नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा करो, अब देखो इधर क्या पोटेंशियल माइनस ई डी एक्स आएगा, क्योंकि डेल वी बाय डेल एक्स वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स, क्या ये v इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई भी हो सकता है माइनस ई डी जेड भी हो सकता है, अभी मेरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो यानी कि e की वैल्यू बोलो कितनी भरूं, क्या e नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई प्रॉब्लम, किसके बीच में पोटेंशियल चाहिए तुम्हारे को, क्या लिमिट वन से लेके टू लग गई खत्म कर, हाँ लेंगे बोलो v इक्वल्स टू, बेटा e नॉट बाहर आ गया वन बाय एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस वन बाय एक्स, क्या बाहर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अंदर बच गया वन बाय एक्स, लिमिट बोलो वन से टू, क्या तुम भर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या ई नॉट वन बाय टू माइनस वन, तो क्या अगेन वी इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय टू आ गई, दैट इज योर आंसर, समझ में आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लास्ट सवाल मैत्री करके दिखाएगी ये वाला सवाल, हो गया तो अच्छी बात है, क्या सारी चीजें मिल जाएंगी, पहले ये सवाल करके दिखा, दिखाओ 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 सवाल करके दिखाओ, अगर तेरे को इस सवाल से ये वाले सवाल नहीं आए तो फिर तेरे को कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आखिरी सवाल है ना, देख अब v की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर वाई जेड है, उसके बाद प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस 3x वाई क्यूब, कुछ और भी था क्या, बस 3xy क्यूब प्लस लिख लो यहां पे जेड जेड स्क्वायर लिख लो, सही है ना, ऐसा लिख लिया कोई बात नहीं, यहां लिख लो जेड का स्क्वायर, चलो बता अभी ई कैसे लिखूं, ई
इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता, वी किस किस में होगी, स्टेप देख मैं कैसे बोल रहा हूं, वोल्टेज किस किस पे डिपेंड कर रही है, तीनों पे कर रही है, तो ई एक्स भी आएगी, ई वाई भी आएगी, ई जेड भी आएगी। ई एक्स का मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक्स के, ई वाई का मतलब वाई के, ई जेड का मतलब जेड के, ये लो। तो बेटा ये ई एक्स लिखते हैं, देखना ध्यान से, क्या है मेरी पूरी पोटेंशियल है, मुझे तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो इसमें एक्स वाला कौन है, कॉन्स्टेंट नहीं बोलना, सिर्फ टर्म बोलनी है, कौन है, एक्स स्क्वायर का आंसर बोलो, टू एक्स लिख दिया, बाकी सब यू का यू, थ्री वाई जेड पीछे लिख दिया, सही है। आगे बोलो एक्स, एक्स में कौन है, एक्स क्यूब का आंसर थ्री, बेटे एक्स क्यूब का मतलब होता है पावर एक आगे आई, एक पावर कम हो गई, फिर तो कितना आ गया ये, थ्री एक्स स्क्वायर तो आया ही, बोल इसको छोड़ के क्या बचा, फोर, फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। आगे बोल एक्स वाला कौन है, मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टेंट नहीं बोलना है साथ में, तो एक्स का आंसर, तो बाकी क्या बचा, थ्री वाई क्यूब जेड स्क्वायर, क्या इसके आगे माइनस लगा दे, आगे बोली भाई लिखवा, चल लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, जल्दी करो फटाफट। ई वाई की वैल्यू वन हो गया, बाकी क्या बचा, तेज बोलते हैं ऊंचा, थ्री एक्स स्क्वायर जेड, आगे वाई को देखना, अगर यहां वाई है तो सिर्फ वाई वाले को देखो, क्या टू वाई आ गया, बाकी बोल बोल ना, फोर एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, आगे बोलो, थ्री वाई स्क्वायर हो गया, थ्री एक्स जेड स्क्वायर हो गया, आ गया ई वाई। अब आ रहे इस धरती पे कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ सकती, हर चीज का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, अगर तुम्हारे को चीजें समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारा तुम्हारा वे ऑफ हैंडलिंग दैट थिंग इज डिफरेंट, तरीके से देखोगे। ये देख ई जेड बोल, अब ये तो वन है, तो क्या ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई आ गया प्लस टू जेड आ गया, इसको देखो बस, बाकी यू का यू लिख दो, फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बोलो आगे किसका, प्लस टू जेड थ्री एक्स वाई क्यूब। आपको अंदाजा है जब टीचर कोई चीज सिखा रहा होता है और लास्ट में आके जब तुम्हारे मुंह से जुबान से निकलता है कि हाँ सर ये आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसका मतलब हमें संतुष्टि हो गई तुम्हें आ गया, उससे ज्यादा हैप्पीनेस किसी टीचर के लिए नहीं होती। बहुत सारे बच्चे मुंह लटका के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं, आगे 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 बोलते हैं सर कल वाली क्लास समझ में नहीं आई। अरे भाई समझ में कैसे आएगी, प्रॉब्लम बताओगे तो आएगी ना, अभी हमारे को खुद जज करना पड़ता है, मेरे को पता तेरे को नहीं आ रहा था, अब आया, अब बाकी के सवाल करके देख, देख घर पे जाके तीन सवाल ऐसे ऐसे करके देखेगी अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख ले इधर, क्या खुद भी सवाल फ्रेम कर सकते हो, बोलो ई एक्स इतना आ गया, ई वाई इतना आ गया, ई जेड इतना आ गया, जैसे मान लीजिए अभी बोलो यहाँ पे, यहाँ क्या है 1,1,1, आपको ई वेक्टर लिखने की अभी जरूरत नहीं है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, बोलो सबको 1,1 भरा, 1,1,1 माइनस बाहर चल रहा है क्या 6 बन गया, क्या 3,4 जा 12 बन गया, ये 3 बन गया, तो 12, 3, 15, 6, 21 माइनस का 21 आ गया, यहाँ पे 1,1 भरो 3, 3, 4, 2 जा 8, तो 8 और 3, 11, 11 और 6, 9, 11 और 9, 20, तो ये 20 आ गया, माइनस 20 है ना, ये कितना आया 3, 4, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 2, 6, तो 17 माइनस का आ गया। लिखो अब कैसे लिखेगा गर्विश बता, ई वेक्टर कैसे लिखेगा, कितना आया माइनस का 21, माइनस का 21 किस में, बोलो आई कैप प्लस माइनस 20 जे कैप माइनस 17, दैट इज योर फाइनल आंसर।
दिमाग में आ रहा है? बोलो, आज की क्लास का सार क्या है? आज की क्लास में हम लोगों ने डेल ऑपरेटर सीखा। क्या डेल ऑपरेटर इज ए ऑपरेटर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव? तो तुम्हें डी बाई डी एक्स नहीं किया, तुमने आज कर्ली बाई कर्ली एक्स किया। और कर्ली बाई कर्ली एक्स की तरह से डिफ्रेंसिएशन तभी करते हैं जब तुम्हारा फंक्शन एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। अभी मेरा फंक्शन कौन था? वी। मेरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। क्या सीधे सीधे काम होगा? नहीं होगा। क्या एक्स में भी करना पड़ेगा, वाई में भी करना पड़ेगा और जेड में भी करना पड़ेगा? दिमाग में पल्ले पड़ रही है? इस चैप्टर में यहां से सवाल पक्का है, समझ गए? अगर यहाँ पे सबसे बेसिक चीजें क्या आ रही हैं बेटा, ये आ रही हैं E equals to minus dV by dr। अभी चैप्टर और भी है ना, लेकिन उसमें ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मेरे सामने पेपर है, पेपर बनाना है, तो मैं कुछ 3 से 4 टॉपिक सिलेक्ट करूंगा और उन्हीं में से क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो ये उन्हीं में से एक टॉपिक है, तो इसमें यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? बेसिक बेसिक चीजें आ गई। क्या मैंने तुम्हारे को वी दिया, ई पूछा? क्या मैंने वी दिया, ई पूछा? क्या ई दिया किसकी फॉर्मेट में? वेक्टर की फॉर्मेट में। सवाल देखो कैसे किया था, ये देखो, पहले ई एक्स वाला किया था, फिर ई वाई वाला किया था, यानी कि पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको पता है, ये देखो, अगर 5 dx हो तो इसका आंसर कितना आता है? 5x। क्या आता है वहां पे? कौन था? वाई। वाई डीएक्स किया तो क्या आएगा? वाई एक्स नहीं आएगा? यही किया मैंने उधर, अगर नहीं समझ में आया तो। यहां से टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में दी हो, वी पूछा हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हो और इनके बीच में पूछा हो तो लिमिट्स लग गई, घर जाके सारे क्वेश्चन दोबारा करेगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्या आज हमने E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर पे क्लास लगाई? आज की क्लास पे लिख लो, आज की डेट के आगे लिख लो, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर के न्यूमेरिकल सिखाए गए हैं। फिर बोलोगे कि सर हमारे को न्यूमेरिकल नहीं आते। क्लियर? जाइए।